हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मेरा रेशियो एनालिसिस इस बार एग्जामिनेशन में आएगा 5 नंबर का। एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों 2 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। बच्चों, इस रेशियो एनालिसिस से पहले मैंने ओवरऑल 63 नंबर का जो मेरा फाइनल एग्जामिनेशन में पार्ट रहेगा वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बात करें पहले रेशियो एनालिसिस के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, कि कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में, कि अकाउंटिंग रेशियो की डेफिनेशन। तो बच्चों, रेशियो का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज के बीच का रिलेशन। ऐसे ही अकाउंटिंग रेशियो दो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बीच का रिलेशन, जो हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो कहलाएगा अकाउंटिंग रेशियो। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, टाइम और परसेंटेज। एंड अकाउंटिंग रेशियो मीन्स रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें करंट रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने करंट एसेट्स नंबर वन वेरिएबल को कंपेयर किया करंट लाइबिलिटी नंबर सेकेंड वेरिएबल से, तो दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, एक जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कहलाएगी रेशियो। ये वेरिएबल यदि अकाउंटिंग से कंसर्नड है तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगा अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, टाइम्स और परसेंटेज। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? तो बच्चों, रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक है, जिसके बेसिस पर यूजर करता है डिसीजन मेकिंग। तो रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक इन विच अकाउंटिंग यूजर्स कैन एनालाइज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन टेक एडिक्वेट डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक उस ऑर्गेनाइजेशन का डेट इक्विटी रेशियो चेक करेगी, कि यदि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, जो कंपेयर करते हैं डेट इक्विटी रेशियो के फॉर्म में, तब बैंक लोन देगी। तो बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किया रेशियो के थ्रू, कौन सा रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। क्यों कर रहे हैं? ताकि बैंक ये डिसीजन ले कि ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना है या नहीं। अगली बात करें रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव, कि रेशियो एनालिसिस के मोटिव कौन कौन से हैं। पहला है टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। यदि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी एग्जांपल लिया, को लोन चाहिए, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेट इक्विटी रेशियो अच्छा रखना पड़ेगा। जो आइडियल डेट इक्विटी है वो है 2:1। तो ये रेशियो एनालिसिस की मदद से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन एरियाज के बारे में पता लगता है जहाँ पर हमें ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा फोकस रखने की रिक्वायरमेंट है। नंबर सेकेंड, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज, ऐसे एरियाज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सकती है। नंबर नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल। बच्चों, रेशियो का 4 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होगा, तो चारों कैटेगरी के बेसिस पर हम रेशियो की मदद से एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करेंगे, कि बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। ऐसे ही बिजनेस की लिक्विडिटी, चाहे वो हो करंट रेशियो के फॉर्म में या लिक्विड रेशियो के फॉर्म में, सॉल्वेंसी शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, एफिशिएंसी मतलब बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज हैं, बिजनेस के जो भी EPS अर्निंग पर शेयर DPS है, उसके बारे में कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस हमें रेशियो की टेक्निक्स प्रोवाइड कराती हैं। नंबर फोर्थ, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। एक इंडस्ट्री को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टीमेट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर एस्टीमेशन करने के लिए रेशियो एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं, कि पिछले लास्ट ईयर तक क्या परफॉर्मेंस रही ऑर्गेनाइजेशन की और उस बेसिस पर फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। मेरिट की बात करें तो रेशियो एनालिसिस इसकी हेल्प से यूजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं। नंबर सेकेंड, ये टेक्निक जो कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई या फिर सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करती है। नंबर थर्ड, इसकी वजह से हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं। नंबर फोर्थ, एक बिजनेस का जो SWOT एनालिसिस है, कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कौन कौन सी है, कौन कौन से हमारे थ्रेट हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो SWOT एनालिसिस भी रेशियो की मदद से करते हैं। और नंबर नेक्स्ट, इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन, इंटर फॉर्म कंपेरिजन, इंडस्ट्रीज के बेंचमार्क से कंपेयर करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस की मदद ली जाती है। डीमेरिट क्या है? तो बच्चों, जो डीमेरिट है अकाउंटिंग की, सेम वही डीमेरिट है रेशियो की। जैसे अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से डील नहीं करती, सेम ऐसे ही रेशियो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से डील नहीं करेगा। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग ईजी है, सेम ऐसे ही रेशियो एनालिसिस की एक डीमेरिट है विंडो ड्रेसिंग।
यदि मुझे डेट इक्विटी रेशियो 2:1 रखना है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साल के आखिर में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगी ताकि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो जाए। तो विंडो ड्रेसिंग काफी ईजी है। इसके अलावा जितनी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट रहेंगी उतने अलग रिजल्ट निकल के आएंगे। और नंबर फोर्थ, हमेशा अकाउंटिंग इग्नोर करता है इन्फ्लेशन, वैसे ही रेशियो एनालिसिस भी इन्फ्लेशन को हमेशा करती है इग्नोर। बच्चों बात करें रेशियो के टाइप्स की, तो रेशियो का जो क्लासिफिकेशन है वो दो अलग अलग टाइप्स के बेसिस पर है। नंबर वन है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। और दूसरा है फंक्शनल, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी फंक्शंस हैं उनके जो भी मोटिव हैं उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बच्चों इंक्लूड करेंगे ऐसे रेशियोज जो केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ऐसे रेशियोज जो हम केवल बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज, और ऐसे रेशियोज जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दोनों की इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद निकाल पाएंगे, जैसे मेरा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियोज और जो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं ईपीएस डीपीएस एटसेट्रा। दूसरा बच्चों फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का फंक्शन, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का प्रॉफिट डिस्क्लोज करना, बैलेंस शीट का मोटिव एक बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन डिस्क्लोज करना। तो इन फंक्शंस के बेसिस पर रेशियो का कैटेगराइजेशन चार टाइप में। नंबर वन लिक्विडिटी रेशियोज, क्या बिजनेस शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी लाइबिलिटी पेड ऑफ करने में कैपेबल है, जहां हम पढ़ेंगे दो रेशियोज करेंट और क्विक। सॉल्वेंसी रेशियोज, क्या बिजनेस लंबे समय तक अपनी लाइबिलिटी पेड कर सकती है, लंबे समय अपनी लाइबिलिटी पेड कर सकती है। नंबर थर्ड टर्नओवर रेशियोज, जो टर्नओवर पर बेस्ड रहेंगे। और नंबर फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो प्रॉफिट से कंसर्न रहेंगे। तो बच्चों हमें जितने भी रेशियोज पढ़ने हैं वो इन चार कैटेगरीज के क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें लिक्विडिटी रेशियोज की। तो लिक्विडिटी रेशियोज क्या है, ऐसे रेशियोज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन डिस्क्लोज करते हैं उन्हें बोलेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। दोज रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आइदर इन द फॉर्म ऑफ करेंट रेशियो और इन द फॉर्म ऑफ क्विक रेशियो। नंबर सेकेंड सॉल्वेंसी रेशियोज, ऐसे रेशियोज जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन डिस्क्लोज करेंगे। द पर्सन हु हैव एडवांस्ड मनी टू द बिजनेस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी और देयर ऑफ देयर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। जो पर्सन बिजनेस को लोन दे रहे हैं या बिजनेस को पैसा उधार दे रहे हैं उन लोगों के लिए जरूरी है सारे सॉल्वेंसी रेशियोज का पता होना। क्या कंपनी बिजनेस एंटिटी उन लोगों का पेमेंट टाइम पीरियड के भीतर कर पाएगी, क्या कंपनी उन लोगों का जो क्लेम है इंटरेस्ट उसका पेमेंट कर पाएगी। तो यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के रेशियोज निकालने होंगे, जैसे डेट इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अगला कहता है एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, ऐसे रेशियोज जो टर्नओवर पर बेस्ड हैं। दोज रेशियोज इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स विद टर्नओवर, अलग अलग वेरिएबल का टर्नओवर के साथ रिलेशन, वो कहलाएगा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियोज। इसके अंदर कवर करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर। और इन तीनों के लिए इनका एवरेज लाइफ भी मैं कंपेयर करूंगा। एवरेज लाइफ का मतलब इन्वेंट्री के लिए निकालेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, और ट्रेड पेबल टर्नओवर के साथ साथ निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। एक डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, जो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड रहेगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो प्रॉफिट डिस्क्लोज करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्म में, ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्म में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्म में। ये बच्चों चारों रेशियोज जो कंसर्न है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया है चाहे बिजनेस के शेयर होल्डर्स ने या आउटसाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटी ने, वो सारा आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो पैसा केवल मालिकों ने लगाया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने लगाया हुआ है, उनके पैसे पर कितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न देती है, वो आएगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ में। अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो और पी रेशियो। बच्चों ये वाले रेशियो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर। अब एक एक करके हर एक रेशियो का क्या फॉर्मूला रहेगा वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। तो बच्चों लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो बिजनेस की
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन शो करते हैं। दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, नंबर वन इज करेंट रेशियो, नंबर सेकेंड इज क्विक रेशियो। बच्चों क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो या फिर इसे हम एसिड टेस्ट या फिर हम इसे लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ये तीन नाम हो गए एक ही रेशियो के, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। जो बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला है ये है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यहां फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी करंट एसेट्स रहेंगी जो कवर करते हैं बैलेंस शीट की करंट एसेट रनिंग के अंदर, जैसे ट्रेड रिसीवर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट और इन्वेंट्री, वो सारी आएंगी करंट एसेट के अंदर। लेकिन यहाँ याद रखना है कुछ ऐसी एसेट्स जो वास्तव में एसेट नहीं है, जैसे फिक्टिशियस एसेट, वो करंट एसेट का पार्ट नहीं मानेंगे। ध्यान रखना है जो बातें वो है फिक्टिशियस एसेट हमें इग्नोर करनी है, फिक्टिशियस एसेट ये हमें करनी है इग्नोर, ये हमें करंट एसेट का पार्ट नहीं मानना। जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके अलावा कुछ ऐसी एसेट जो हमने बैलेंस शीट में केवल टाइम पीरियड के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, वास्तव में वो करंट एसेट नहीं है, जैसे लूज टूल्स। लूज टूल्स ये भी अपना करंट एसेट का पार्ट नहीं है। ये दोनों बातें बच्चों याद रखनी है जब भी हम करंट एसेट की वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा है करंट रेशियो, जो आइडियल या फिर सेफ रेशियो माना जाता है वो है 2:1। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट रेशियो 2:1 है तो माना जाएगा आइडियल या फिर सेफ। दूसरा बच्चों है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, यहां हम लिखते हैं करंट एसेट, वहां लिखेंगे क्विक एसेट, यहां पर लिखेंगे क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई, वापस वही रहेगा करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। और बच्चों क्विक एसेट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा मेरा वो है करंट एसेट, इसमें से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री और माइनस करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखेंगे यदि क्विक एसेट कैलकुलेट करनी है करंट एसेट में से माइनस करेंगे इन्वेंट्री और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट का पार्ट तो है लेकिन ये क्विक एसेट का पार्ट नहीं होगा। और क्या बात याद रखनी है, अगर मुझे लूज टूल्स गिवन है क्वेश्चन में और मैंने वो करंट रेशियो निकालते वक्त करंट एसेट में शामिल नहीं किया तो मैं जब क्विक एसेट निकालूंगा तो करंट एसेट में से केवल वही इन्वेंट्री माइनस करूंगा जो अदर देन लूज टूल्स है। यहां मेरा आइडियल रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 1:1। ये बात थी बच्चों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन डिस्क्लोज करने वाले रेशियोज की, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब है दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज। तो बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज पांच कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर वन डेट इक्विटी, जिसका फॉर्मूला रहेगा डेट अपॉन इक्विटी। और डेट का मतलब बच्चों यहां पर लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। आप लोगों ने यदि जो मैंने पिछले लेक्चर में एनालिसिस किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि किस हेडिंग के अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग्स आएंगी, तो वहां पर मैंने आपको ये क्लियर बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें जरूर बताओ। इक्विटी का मतलब बच्चों शेयर होल्डर फंड, इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड्स। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। और जो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है वो है 2:1। अगला प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब कि बिजनेस में जो कुल एसेट्स हैं इस एसेट्स में से मालिकों का कितना एसेट्स पर राइट है। तो यहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो में हम कंपेयर करेंगे दो एलिमेंट, नंबर वन इज इक्विटी डेट इज शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, कि मालिकों का कुल एसेट्स में से कितना एसेट्स पर राइट है। तो शोल्डर फंड्स डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, उसे बोलेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। नंबर थर्ड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाई
डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट। मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखें लॉन्ग टर्म डेट का मतलब हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी को, कि जितना पैसा मालिकों से लिया और कितना पैसा लिया है एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म डेट से। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला रहेगा शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज। बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरेस्ट पेड कर रही है उस इंटरेस्ट के कंपैरिजन में इस साल जो प्रॉफिट कमाया वो कितना गुना है, और प्रॉफिट में से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर उसके बाद माइनस करते हैं टैक्स। तो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट मेरे इंटरेस्ट का कितना गुना है, तो ये रेशियो टाइम्स के फॉर्म में जनरेट होता है, टाइम्स के फॉर्म में आएगा। जैसे सपोज प्रॉफिट है 2 लाख, इंटरेस्ट है 10,000, तो प्रॉफिट 2 लाख डिवाइड बाई 10,000, रेशियो आएगा 20 टाइम्स। ये बात थी बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज की। अगली बात करें वो है एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। बच्चों इस कैटेगरी में मुझे ज़्यादातर रिलेशन टर्नओवर के साथ रहेंगे, कुछ रेशियोज ऐसे होंगे जिनका रिलेशन कॉस्ट या फिर परचेज के साथ होगा। सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिवाइड करना होगा एवरेज इन्वेंट्री का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालता हूँ मैं, तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, या तो मैं सेल्स में से माइनस कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स कौन सी, नेट सेल्स, टोटल सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट, इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न आ जाएगा नेट सेल्स, या मुझे चाहिए नेट सेल्स। या फिर दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से मेरे पास 2 तरीके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। इनकेस मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, केवल क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, तब जो क्लोजिंग स्टॉक है वही मानेंगे एवरेज इन्वेंट्री। याद रखें यदि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक कभी भी 0 नहीं मानेंगे। वहां पर यह माना जाता है जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही ओपनिंग स्टॉक है, और यदि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इक्वल हैं तो एवरेज भी उतना ही आएगा। बच्चों यहां पे एक रेशियो तो है इन्वेंट्री टर्नओवर, एक है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद रखें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज 365 या फिर नंबर ऑफ मंथ्स 12 इन अ ईयर डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यदि मैंने नंबर ऑफ डेज में डिवाइड किया इन्वेंट्री टर्नओवर का, तब ये मेरा आएगा नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में आंसर। यदि मैंने नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड किया तब आएगा नंबर ऑफ मंथ्स में। एक बात और याद रखनी है, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसका दूसरा नाम होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं डेटर्स प्लस बीआर को, और डेटर्स और बीआर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड तब होते हैं जब बिजनेस उधार माल बेचती है। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वापस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। यदि मुझे केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है, तो जो क्लोजिंग है उतना ही एवरेज मानेंगे। इन केस मुझे केवल डेटर गिवन है, बीआर गिवन नहीं है, तो डेटर को ही मानेंगे ट्रेड रिसीवेबल, या फिर केवल बीआर गिवन है, डेटर गिवन नहीं है, तो बीआर को मानेंगे ट्रेड रिसीवेबल। इसमें बच्चों दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि हम डेटर से या फिर जो ट्रेड रिसीवेबल है उनसे कितना दिन में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला वापस नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
यदि मैंने नंबर ऑफ डेज में डिवाइड किया है तो इसका फॉर्मूला आंसर आएगा नंबर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड किया है तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा नंबर ऑफ मंथ्स के फॉर्म में। अगला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल बोलते हैं क्रेडिटर्स प्लस बीपी को, बिजनेस में रिकॉर्ड तब करेंगे जब हमने उधार माल खरीदा है, तो इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू, क्लोजिंग गिवन है ओपनिंग गिवन नहीं है तो क्लोजिंग को ही मान लेंगे एवरेज। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी दोनों शामिल करते हैं, क्रेडिटर्स गिवन नहीं है तो बीपी को मान लेंगे ट्रेड पेबल, बीपी गिवन नहीं है तो क्रेडिटर्स को मान लेंगे ट्रेड पेबल। यहां पर एक फॉर्मूला और एवरेज पेमेंट पीरियड, कि क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं, तो फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये बात थी नंबर थर्ड ट्रेड पेबल की। अगला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो बच्चों यहां पर नेट एसेट का रिलेशन होगा टर्नओवर के साथ, फॉर्मूला नेट सेल्स डिवाइडेड बाई नेट एसेट, और बच्चों नेट एसेट्स को ही बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां पर मैं नेट एसेट की जगह यूज कर सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला रहेगा नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट एसेट्स। नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला वापस वही, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो एक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर दूसरा फॉर्मूला शेयरहोल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी मैं रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं तो एसेट्स में वही एसेट्स शामिल करेंगे जो वास्तव में एसेट्स हैं, जैसे इस जगह मैं टोटल एसेट में किसी भी फिक्टिशियस एसेट को इंक्लूड नहीं करूंगा, नकली एसेट को इंक्लूड नहीं करूंगा। ये बात थी मेरी नेट एसेट टर्नओवर रेशियो की। बच्चों नेट एसेट टर्नओवर रेशियो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आया था एक टोटल एसेट फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इस पार्ट को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और ये पार्ट फिक्स एसेट। तो यहां पर मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर और दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का रहेगा फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड सॉरी टर्नओवर डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट, नेट सेल्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का रहेगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। बात याद रखनी है, मैं नेट एसेट टर्नओवर वाले में टोटल सेल्स यूज कर रहा हूं, मतलब क्रेडिट और कैश दोनों, और यहां पर मैं नेट एसेट टर्नओवर निकालने के लिए नेट सेल्स यूज कर रहा हूं जिसमें दोनों तरह की सेल्स शामिल है, नगद और उधार। मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए केवल यूज कर रहा था क्रेडिट सेल्स, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए यूज कर रहा था क्रेडिट परचेज, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए यूज कर रहा था जो माल ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। बच्चों अगली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार रेशियोज, क्योंकि इस बार जो आरबीएसई बोर्ड ने अपना मॉडल टेस्ट पेपर दिया है उस मॉडल टेस्ट पेपर में इन चारों रेशियो से क्वेश्चन दिया हुआ है। बात करें पहले प्रॉफिटेबिलिटी में ऊपर वाले रेशियोज की, तो यहां पर पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और ये रेशियोज बच्चों आएंगे परसेंटेज में इनटू 100। सेल्स कौन सी लेनी है यहाँ पे, बच्चों सेल्स लेंगे टोटल कैश और क्रेडिट दोनों, और जहां पर सेल्स रिटर्न मुझे माइनस करनी होगी यहां पर मेरा सेल्स आने वाला है, इसका मतलब नेट सेल्स, यहां पर सेल्स आएगी नेट सेल्स। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट में निकालता हूं ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट निकालूंगा पी एंड एल अकाउंट से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ग्रॉस प्रॉफिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग में, और नेट प्रॉफिट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब केवल बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ, सारे एक्सपेंस चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हों या इनडायरेक्ट नेचर के हों, लेकिन हमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट नहीं करना। तो यदि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है ऑपरेटिंग, तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनडायरेक्ट इनकम प्लस करूंगा जो ऑपरेटिंग नेचर की है, माइनस करूंगा अदर ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरा आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
यदि नेट प्रॉफिट से निकालना है ऑपरेटिंग, तो नेट प्रॉफिट में से ऐसे आइटम जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कंसर्न्ड है वो कर देंगे एलिमिनेट। मतलब नेट प्रॉफिट में से मैं माइनस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऐड कर लूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ताकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट हो जाएगा खत्म। वहां से निकाल दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स इनटू 100। अगला है ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, तो 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 100 में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। या फिर दूसरा फॉर्मूला, जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई जो माल ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा है, उस माल को बेचने वक्त तक टोटल जितने में खर्चा आया उसमें इंक्लूड करेंगे उस माल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस पर ऐड करेंगे उसके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे, तो वो सारी कॉस्ट इसमें डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स का, तो पता लग जाएगा कि हम जो माल बेच रहे हैं उसमें हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है जो ऑपरेटिंग नेचर की है, और हमारा बचा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। अगला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, मतलब डिवाइड करेंगे या तो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी का, या फिर डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी का, तो मेरा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला है बच्चों रिटर्न ऑन नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड। ये रेशियो केवल और केवल शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के कंटेक्स्ट में ही है, तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो भी प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसमें से माइनस करेंगे यदि प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स। याद रखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट चार्जेस, फिर माइनस करेंगे टैक्स, फिर माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इसमें डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड का, कौन से शेयरहोल्डर फंड जो केवल इक्विटी से कंसर्न है, तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करूंगा रिजर्व एंड सरप्लस, तब मेरा आ जाएगा शेयरहोल्डर फंड्स और मल्टीप्लाई भी 100। ये आ गया मेरा रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड्स। बच्चों अगला रेशियो जो है वो है अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है बिजनेस ने जिस साल जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड काटने के बाद कितना प्रॉफिट बचा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो प्रॉफिट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, याद रखें जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसमें रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी डिविडेंड दोनों इंक्लूड रहेंगे, प्रॉफिट केवल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद वही कहलाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का आ जाएगा ईपीएस। बीवीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, यहां पर शेयर होल्डर फंड्स केवल इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स जिसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इसमें डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर के बुक्स में एक शेयर की वैल्यू कितनी है। डिविडेंड पे आउट, बच्चों डिविडेंड पे आउट का मतलब इस साल जो प्रॉफिट कमाया एंटिटी ने शेयर होल्डर्स के लिए इसमें से कितना डिविडेंड बांट दिया, तो इसका फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड पर शेयर, यदि एक शेयर के फॉर्म में निकालना है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, और ये रहेगा परसेंटेज के फॉर्म में। यदि एक शेयर के हिसाब से निकालना है तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर इनटू 100, सभी शेयर के हिसाब से निकालना है तो टोटल डिविडेंड जो एंटिटी बांट चुकी है डिवाइडेड बाई टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100। अगला प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो बच्चों ये थे अपने सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें वो भी इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बेसिस पे। या कहता हमें इंफॉर्मेशन गिवन है राजा लिमिटेड की, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईपीएस जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बीवीपीएस
शोल्डर फंड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और शोल्डर फंड रहेंगे केवल इक्विटी शोल्डर कॉन्टेक्स्ट में। डिविडेंड पर शेयर, इसका फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाई इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस, और डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाई प्रॉफिट्स अवेलेबल मल्टीप्लाई बाई 100। मुझे इन्फॉर्मेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, टोटल कैपिटल 2 लाख की, मतलब नंबर ऑफ शेयर हो गए यहाँ पे 2000। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की है, रिजर्व सरप्लस 20,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000, और ये हमें दे रखा है अप्रोप्रिएशन। आखिरी में कहता है कंपनी की जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो है आज 300 रुपए। मुझे सबसे पहले निकालना है ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो बच्चों ईपीएस का फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना प्रॉफिट बचा हुआ है इक्विटी शोल्डर्स के लिए, इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। सबसे पहले मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 65,000, इस प्रॉफिट में से टैक्स पेड करेंगे, जो टैक्स का प्रोविजन है 25, करंट ईयर का टैक्स आगे 25, प्रॉफिट रह गया मेरे पास अब 40, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स में से केवल माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, बच्चों ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व हम यहां मान रहे हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, और जनरल रिजर्व का कोई भी यूटिलाइजेशन फिक्स नहीं है, तो उस पर अधिकार होगा शेयर होल्डर्स का ही, मालिकों का ही। प्रेफरेंस डिविडेंड है 10,000, तो मेरा अब जो प्रॉफिट बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 40 माइनस 10 प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके, वो आया है 30,000। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ₹30,000, तो मेरा 30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो थे 2000। इनकेस मुझे यहां पर फेस वैल्यू गिवन नहीं होती, मुझे केवल लिखा होता 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और नीचे मार्केट प्राइस है 300 रुपए, तो वहां पर मैं 10 रुपए मानता 100 रुपए या फिर 1000। तो बच्चों मार्केट प्राइस यदि 100 रुपीज के राउंड ऑफ में, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग हमेशा 100 के कंटेक्स में माने। इनकेस यदि 10 रुपीज के कंटेक्स में होता, मतलब ये होता 30 रुपए, तब मैं फेस वैल्यू मानता 10 रुपए, और यदि क्वेश्चन में गिवन है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये मैंने निकाल दिया अर्निंग पर शेयर जो आ गया 15 रुपए। दूसरा मुझे निकालना है बच्चों डिविडेंड पर शेयर, तो कंपनी जो इक्विटी डिविडेंड बांट रही है वो है 20,000 रुपए। डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो है 20,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 2000, तो ये आ गया डीपीएस मेरा 10 रुपए। इसके बाद मुझे निकालना है डीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बच्चों डीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, डीपी रेशियो का मतलब है कितना परसेंट प्रॉफिट कंपनी बांट चुकी है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था एक शेयर पे 15 और बांट दिया एक शेयर पे 10, इसका मतलब कंपनी 66.67% प्रॉफिट बांट चुकी है डीपी रेशियो के बाद। अगला है बीबीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, देख ले इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है। तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 20,000, तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया 2,20,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मेरा बुक वैल्यू पर शेयर आ गया 110 रुपए। अगला मुझे निकालना है प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला पी रेशियो इक्वल्स टू यह आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, एमपीएस की वैल्यू 300, ईपीएस की वैल्यू, ईपीएस आया मेरा 15 रुपीज, तो ये आएगा 20 टाइम्स।
तो ये था मेरा बच्चों ईपीएस, डीपीएस, डीपी रेशियो, बीबीपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो, और ये था कंप्लीट रेशियो के सारे फॉर्मूलाज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उसका प्रैक्टिकल पार्ट। बच्चों ऐसे ही और रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।